अब जैसे ही ये होस्टिंग राइट्स जाने की बात आना शुरू हुई है तो शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके ऊपर काफी डिबेट हो रहा है। तो शोएब अख्तर ने कहा है कि देखो ये जो इंडियन क्रिकेट टीम कहां पर जाकर के क्रिकेट खेलेगी, कहां पर जाकर के क्रिकेट नहीं खेलेगी, ये बीसीसीआई डिसाइड ही नहीं करता, ये एक्चुअल में बीजेपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बीसीसीआई के डिसीजन को। इसमें उन्होंने नाम भी लिया कि जो आप देखिए जय शाह वहां पर मौजूद हैं और वो क्या कहता है जेटली के बेटे वहां पर मौजूद हैं, ये सारे लोग बीजेपी के लोग हैं और सारे बीजेपी के लोग वहां पर भरे हुए हैं बीसीसीआई के अंदर, वही डिसाइड करते हैं कौन क्या करेगा कैसे करेगा। शोएब अख्तर ने कहा कि बीसीसीआई देखना अब लास्ट मोमेंट पर एक यू टर्न ले लेगा, मतलब अभी वो इतना नाटक कर रहे हैं लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर जाकर के एक यू टर्न लेंगे। यू टर्न का मतलब यह है कि वो अभी कह रहे हैं कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपनी टीम को भेजने के लिए रेडी हो जाएंगे। इतना इतना स्ट्रांगली शोएब अख्तर ये बात को कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए उन्होंने ना बीसीसीआई की पुरानी पूरी हिस्ट्री निकाल करके दिखाई। आईना जो उन्हें दिखाया तो बुरा मान गए। पाकिस्तान और भारत का इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो तनाज़ा है उसका कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा। भारत ये जिद कर रहा है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, उसे हाइब्रिड मॉडल में मैचेस खेलने हैं, जबकि पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो छोड़ सकते हैं लेकिन अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे जहां मर्जी आईसीसी ये करवा दे। लेकिन अब एक ऐसा बयान सामने आया है जो कि साबिक स्पीडस्टर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने दिया है, जिसने भारतीयों के होश उड़ा कर रखती हैं और वो अपने मीडिया पर चीखते चलाते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने वाजे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान का बीसीसीआई से कोई मसला नहीं है, इसके पीछे है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के हालात इस नहज पर पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस की जब हुकूमत होती थी तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट भी होती थी, बेशक कश्मीर के मसाइल थे, दहशतगर्दी भी थी, दोनों तरफ से एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश भी होती थी, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी जो थी वो अपने उरूज पर थी और यही वजह है पब्लिक टू पब्लिक जो कॉन्टैक्ट था वो किसी भी तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के हालात हैं कि आए रोज बिगड़ते ही जा रहे हैं। और अब जो शोएब अख्तर का बयान है उस पर भारतीयों का क्या रद्दअमल है और क्या कुछ कहा जा रहा है? और दूसरी अहम बात कि इस वक्त जो बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो सेक्रेटरी है यानी जय शाह, वो भी अमित शाह का बेटा है, यानी अपनों को ही नवाजा गया है भारतीय जनता पार्टी में, और वो वही लाइन पिक कर रहा है, वही लाइन टो कर रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है। क्या कुछ कह रहे हैं इस सारे मामले पर भारती जब शोएब अख्तर ने उन्हें आईना दिखाया, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। तो इस बार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने वाला था, अब ये जो राइट है वो पाकिस्तान से बहुत दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज एक टसल हो चुका है, आपको पता ही है कि बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में। अब जैसे ही ये होस्टिंग राइट्स जाने की बात आना शुरू हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो पुराने क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, सबके हाथ पांव फूल गए, सब अपने अपने अपनी अपनी नई नई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं, सब नया नया बयान दे रहे हैं, उसी कंट्रोवर्सी में अब शोएब अख्तर भी जुड़ चुके हैं। शोएब अख्तर भला कैसे ना जुड़े? तो शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके ऊपर काफी डिबेट हो रहा है। तो शोएब अख्तर ने कहा है कि देखो ये जो इंडियन क्रिकेट टीम कहां पर जाकर के क्रिकेट खेलेगी, कहां पर जाकर के क्रिकेट नहीं खेलेगी, ये बीसीसीआई डिसाइड ही नहीं करता, ये एक्चुअल में बीजेपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब इसके बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो उसका कितना सही है कितना गलत है, ये सब चीजें आगे देखेंगे। पहले इनके बयान को देख लेते हैं कि ये बीसीसीआई डिसाइड नहीं करती है, ये बीजेपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बीसीसीआई के डिसीजन को। इसमें उन्होंने नाम भी लिया कि जो आप देखिए जय शाह वहां पर मौजूद हैं और वो क्या कहता है जेटली के बेटे वहां पर मौजूद हैं, ये सारे लोग बीजेपी के लोग हैं और सारे बीजेपी के लोग वहां पर भरे हुए हैं बीसीसीआई के अंदर, वही डिसाइड करते हैं कौन क्या करेगा कैसे करेगा और कहां पर टीम क्रिकेट खेलेगी। तो यहां पर आपको बीसीसीआई से बात करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं अगर वो बैक चैनल टॉक्स करें तो ये चीजें सुलझ सकती हैं। अब शोएब अख्तर का ऐसा कहना है कि बैक चैनल टॉक्स इसमें हो रही है, मतलब कि जो पुराने क्रिकेटर्स हैं सचिन तेंदुलकर टाइप, जो बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, जिनके डिसीजंस होते हैं एडवाइजरी बोर्ड में, जिनकी जगह है, उनकी बात चल रही है पाकिस्तान के और पुराने क्रिकेटर्स से बैक चैनल टॉक्स हैं, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो भी पीछे से बात कर रही है उनकी कंट्री से। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हो सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम खेल ले जाकर के मैच, लेकिन सपोज ये बैक चैनल टॉक्स भी पूरी तरीके से, क्योंकि क्लियर कट जो स्टेटमेंट बीसीसीआई ने दिया है उसके हिसाब से बीसीसीआई अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहा है। पीओके के कुछ जगह पर भी मैचेस करवाए जा रहे थे तो वो मैचेस भी वापस ले लिए पाकिस्तान ने, वो कैंसिल कर दिए वो सारे वेन्यू। हालांकि फिर भी इंडियन क्रिकेट टीम ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम अपनी क्रिकेट टीम को नहीं भेजेंगे पाकिस्तान। फिर ये बैक चैनल टॉक्स जो चल रहे हैं उनके हिसाब से, शोएब अख्तर के हिसाब से पॉलिटिशियंस के बीच में, अगर वो भी फेल हो जाता है तो दो कंडीशंस होंगी। पहला कंडीशन ये होगा कि अगर ये पूरी तरीके से फेल हो जाती है और इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान क्या होगा,
ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। तो देखो बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप होती है इसमें, जब आप ऐसे कोई आईसीसी लेवल के कोई टूर्नामेंट्स करवाते हो तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ियां गिफ्ट कर रहे हैं तो गाड़ियों की जो कंपनी है उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, एडवर्टीजमेंट बाउंड्री के साइड में लगे होते हैं, सब स्पॉन्सरशिप होती है। क्रिकेट टीम के जो जर्सी पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स के नाम वाम होते हैं, वो सब क्या है, स्पॉन्सरशिप है ये सब। तो $100 million कम से कम स्पॉन्सर्स का यहां पर डूब जाएगा पाकिस्तान में, जो स्पॉन्सर्स ने ऑलरेडी ये पैसा लगा दिया है, स्टेडियम्स रेडी करवा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, उनका $100 million यहां पर डूब जाएगा। और ये जो दूसरी होस्ट कंट्री होगी जो कि प्रोबेबली एशिया के बाहर की कंट्री होगी, उसके पास ये सारा पैसा जाएगा, मतलब उसके पास ये राइट आएगा तो वो पैसा कमाएगा उससे। अब यहां पर ये लोगों ने अब एशिया कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, मतलब रीजनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। तो शोएब अख्तर का कहना है कि ये पैसा जो है वो एशिया में ही रहना चाहिए, एशिया के बाहर चला जाएगा, नुकसान होगा, तो ये किसी एशियन कंट्री को ही मिलना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान को फेवर कर सकती है इंडिया यहां पर, तो उनको करना चाहिए, उनको पाकिस्तान आकर के क्रिकेट खेलना चाहिए। अब जो डिबेट जिस बात पर हुई है सबसे ज्यादा, वो बात क्या है, डिबेट एक्चुअली में ये हुई है कि शोएब अख्तर ने कहा कि बीसीसीआई देखना अब लास्ट मोमेंट पर एक यू टर्न ले लेगा, मतलब अभी वो इतना नाटक कर रहे हैं लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर जाकर एक यू टर्न लेंगे। यू टर्न का मतलब ये है कि वो अभी कह रहे हैं कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपनी टीम को भेजने के लिए रेडी हो जाएंगे। इतना स्ट्रांगली शोएब अख्तर बात को कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए उन्होंने ना बीसीसीआई की पुरानी पूरी हिस्ट्री निकाल करके दिखाई, हालांकि सब बकवास था वो सारी चीजें। उन्होंने कहा कि देखो अभी क्या है कि बीसीसीआई के ऊपर काफी प्रेशर है, क्योंकि टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेकार चल रहा है। टीम इंडिया का परफॉर्मेंस जो बेकार चल रहा है, उसका मतलब ये था कि जो हम अभी न्यूजीलैंड से सीरीज, एक टेस्ट सीरीज जो हारे हैं इंडिया के अंदर, तो उसको लेकर के वो बोल रहे थे। तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जिनकी बहुत बड़ी फैन बेस है, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे जो प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर एक बहुत सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। और इस वजह से अगर पाकिस्तान ये प्लेयर्स आते हैं, अब उनको ऐसा लगता है कि विराट कोहली जैसे बड़े फैन बेस के प्लेयर्स अगर पाकिस्तान जाते हैं, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शोएब अख्तर साहब कह रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करना। तो ये प्लेयर जब पाकिस्तान जाके खेलेंगे, पाकिस्तान की पिच होती है पाटा, मतलब कि बहुत ही सिंपल पिच, जहां पर कोई मूवमेंट नहीं होती है, स्पिन भी होती है लेकिन वो 20-25 ओवर के बाद बॉल जब पुरानी हो जाए तो स्पिन होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो पाटा पिच होती है, उसमें कुछ होता ही नहीं है मतलब बॉलर्स के लिए। इसीलिए आपको देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान में वीरेंद्र सहवाग जाते थे, क्योंकि उनका आई हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा था, तो वीरेंद्र सहवाग बिल्कुल धजिया उड़ा देते थे पाकिस्तान की, वो बहुत रन मारते थे पाकिस्तान में, इसीलिए उनको मुल्तान का सुल्तान कहते हैं, क्योंकि वो इतने रन बनाते थे वहां पर। तो उसका कारण यह था कि पिच बहुत ही डेड होती थी, उसको डेड पिच कहते हैं, पाटा कहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है पिच में, मतलब आप सीधी बॉल जैसे फेंक रहे हो, अगर आपके पास स्पेस है तो थोड़ा बहुत आपको वर्क हेल्प मिल जाएगी हवा हवा की वजह से, लेकिन पिच आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। तो बैट्समैन पैराडाइज कहते हैं ऐसी पिचेस को, और वहां पर बैट्समैन बहुत रन बनाते हैं। इंडिया में अब ज्यादा ऐसी पिच बनी बची नहीं है, क्योंकि इंडिया में अब जानबूझ करके जो हमारे क्यूरेटर्स होते हैं पिच को डिफिकल्ट बना देते हैं। अगर स्पिन हो रही है तो बहुत स्पिन होगी, जैसे आपने टेस्ट मैचेस में देखा कि हमने बहुत ही ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक उठा लिया, तो वहां पर एजाज पटेल जैसे बॉलर्स की भी न्यूजीलैंड के बहुत स्पिन हो रही थी गेंद वहां पर, जबकि वो बहुत ही एवरेज स्पिनर्स हैं, हमारे लेवल इंडियन क्रिकेट टीम के लेवल के स्पिनर्स नहीं एजाज पटेल जैसे, लेकिन बहुत ज्यादा स्पिन हो रही थी उनकी गेंद, क्योंकि हमने स्पिनिंग ट्रैक्स दे दिया था। और हमारे धर्मशाला जैसी पिच है वो बहुत ही फास्ट ट्रैक है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे ट्रैक्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ही सिंपल पाटा पिचेस ज्यादातर हैं वहां पर, ज्यादा तो स्टेडियम ही नहीं है वहां पर, लेकिन जितने भी हैं बचे कुचे वो सब पाटा है एकदम बिल्कुल। तो वहां पर अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स खेलेंगे तो बहुत रन बनाएंगे, तो उनके लिए भी बेटर होगा कि उनकी जो स्ट्रीक टूट गई है वो मेंटेन हो जाएगी, और फिर बीसीसीआई को भी वो फैन बेस और इंडिया का ही जो फैन बेस है वो और ज्यादा बढ़ेगा, उनको फायदा होगा, और ये सारी चीजें तमाम शोएब अख्तर ने कही है। तो इन सारी चीजों को एनालाइज करते हुए उनका कहना है कि बीसीसीआई जो है वो खेल लेगी आकर के। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।